दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, संजय सिंह का कोर्ट ने आदेश किया है, एमपी एमएलए कोर्ट ने, कि इनको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके पेश करो अदालत में। संजय सिंह के लिए आदेश हुआ। संजय सिंह और पूरी कंपनी आपकी, ये लोग कोर्ट को मजाक बनाए हुए हैं, वक्त जाया करते हैं कोर्ट का। कहीं हाई कोर्ट पहुंचना, कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, अपने बचाव के लिए। और जब किसी कोर्ट में इनको बुलाया जाए, जब ये लोग कहीं फंसे हों, तो उस पर जाते नहीं हैं, सिर्फ अपने बचाव की सोचते हैं। ये तमाम मुकदमे इस तरह के रहे हैं, यही पोजीशन, मतलब ये पार्टी पूरी अगर देखी जाए तो इसी बात की हो गई कि कोर्ट में जब फंसे हुए हों तो जाइए नहीं, और अपने को बचाने की सिर्फ कोशिश कीजिए। ये देखिए, आप नेता संजय सिंह की बड़ी मुश्किलें। एमपी एमएलए कोर्ट ने दिए गिरफ्तार करने के आदेश, और गिरफ्तार करके पेश करने के, अदालत में लेके आने के आदेश दिए। संजय सिंह, आप सांसद संजय सिंह को लेकर एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट सख्त हो गई है। वर्ष 2021 में महामारी अधिनियम के, अब महामारी अधिनियम 19 के तहत अधिनियम के उल्लंघन मामले में वारंट के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचने पर मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सांसद के विरुद्ध जमानती वारंट के आदेश दिए हैं। देखिए, वारंट के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचे थे, ये इनका पहला मामला नहीं है। यही पोजीशन इनके जो हेड हैं, किंग जो हैं, अरविंद केजरीवाल, उनका भी 9-9 सम्मन के बाद नहीं गए, 10वें सम्मन पे गए। इसके पहले उनका यही हुआ, अरविंद केजरीवाल का, कि टैंकर घोटाले में बहुत पहले इनके ऊपर एफआईआर हुई थी, कपिल मिश्रा, उस पर भी नहीं गए। तमाम मामलों पे ये इन लोगों की आदत हो गई है, कोर्ट पे ना जाना और कोर्ट की अवमानना कर। यही संजय सिंह ने गुजरात में किया, जब डिग्री का मामला था, मोदी जी की डिग्री के मामले में, तब ये नहीं गए। जब इनके ऊपर वारंट हो गया तो हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, बार बार कहा गया कि लोअर कोर्ट जाइए। ये इन्होंने आदत बना ली है कोर्ट को मजाक, या अपने आप को लोग इतना ऊंचा समझते हैं कि कोर्ट को हमेशा नीचा समझते हैं, हमेशा। यही नहीं, अभी इन्हीं के किंग पिन और इन्होंने भी, और ख़ास तौर से उन्होंने तो बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई कोर्ट के लिए बड़ा उल्टा सीधा कह दिया। आज भी इनके वकील ने, अरविंद केजरीवाल जी के वकील ने कोर्ट में कहा, राउज एवेन्यू कोर्ट में, कि मैंने कभी वो अपशब्द नहीं कहे, जबकि उन्होंने जुडिशरी के लिए कहा था। आज उसकी सफाई बड़े उससे सर झुका करके दी। इनका भी यही है कि अभी तक ये बड़ा आज बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पानी नहीं, ये नहीं, और जहाँ ये सुना तहाँ चुप हो गए। तब भी इनकी बोलने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आदत है, उसके बावजूद भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर दी कि गलत खबर चल रही, गैर जमानती वारंट, जबकि जमानती वारंट में हमें बुलाया गया। कहीं खबर नहीं चली है गैर जमानती वारंट। कोर्ट से जो भी कोर्ट की न्यूज़ होती है उस पर कभी भी मीडिया कुछ भी इधर उधर नहीं करता, चूँकि मामला कोर्ट के आदेश में कभी नहीं करता। सब जगह जमानती वारंट का, ये ज़बरदस्ती बोल करके जमानती, गैर जमानती नहीं, जमानती वारंट है, ये सब जगह खबर चल, एक भी जगह की खबर दिखा नहीं पाए जब इनसे पूछा गया। अब देखिए, संजय सिंह को गिरफ्तार करके पेश करने का बात आ गई है, कोर्ट ने कह दिया। ये भी हो सकता है कि इनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया जाए और जाके कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाए, क्योंकि ये इतने बड़े वो हैं, अपने आप को समझते हैं कि सबसे सर्वोपरि ही, जुडिशरी से अपने को ये बहुत अवैध समझते हैं, जबकि सर्वोपरि कौन है? जुडिशरी है, जुडिशरी सर्वोपरि है। विवेचना के बाद पुलिस ने संजय सिंह, मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी, जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, शहबान, सिकंदर, जलील व अजय को आरोपी बनाकर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा है। अन्य आरोपियों ने जमानत करवा ली है, लेकिन सांसद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया गया। अब आप देखिए, और लोगों ने, सबने करा ली, इन्होंने नहीं कराई। ऐसे इनका एक मामला केजरीवाल इनका था पंजाब के, उसमें इस मामले में केजरीवाल होशियार है, जहाँ फंसने को होते हैं वहाँ चुपचाप जमानत करा लेते हैं।
पंजाब के एक मामले में यही हुआ, और जहाँ ये उन्होंने देखा कि पूछा जाएगा, पूछने में हम फंस जाएंगे, चूँकि शराब घोटाले में कितना पैसा लिया गया ईडी पूछेंगे, तो 10 संबंध तक 9 तक गए नहीं, 10 संबंध जब इनको जबरदस्ती ले जाया गया तब ये गए, और बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ये रात को जा रहे थे उसके लिए, यही पोजिशन इसकी भी काट ये करते रहे, अभी तक गए नहीं। ये इनका एक मामला नहीं, इनके कई मामले ऐसे, गुजरात वाले में नहीं गए, पंजाब वाले उस पर नहीं गए, गुजरात डिग्री गुजरात कोर्ट में 3 मामले हुए, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, और उसके अलावा उसमें एक ट्रायल कोर्ट पे भी हुआ, तब भी ये नहीं गए। अब देखिए, इनको बतला दें कि संजय सिंह के ऊपर जो केस था वो लोक अभियोजक बहबोज पांडे जी ने लगवाया था, और उन्होंने बाकायदे कंप्लेन दी थी, एसओ प्रवीण कुमार सिंह ने, हसनगंज के गांव के थे, उन्होंने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की थी। जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम थी, उनके उसमें ये कोरोना के दौरान गए थे, सभा की थी, और उसमें 50-60 से ज़्यादा आदमी थे, जबकि कोरोना के दौरान दूरी बना के रहना था, 2-3 आदमी से ज़्यादा मनाही थी, तब ये आप वहाँ सभा करने गए 50-60 लोग, उस पर आप समझ लिए ये सब लोगों के खिलाफ वारंट थे, परंतु ये कोर्ट ही नहीं जाना इन्होंने वो समझा। 13 अप्रैल 2021 की बात है, महामारी के लिए के वक्त। अब देखिए, इसमें भी सबसे बड़ी बात बता दें कि इनको इस शर्त पे सुप्रीम कोर्ट में इनको इस शर्त पे छोड़ा गया था कि आप अपने केस के संदर्भ में मीडिया या जनसभा में कुछ नहीं बोलेंगे, परंतु ये लगातार बोल रहे हैं। ये भी कहा गया था पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर हाजिर होना होगा, पूछताछ के लिए बुलाए जाने, उसका मतलब नहीं सिर्फ वही जो कुछ कोर्ट केस चल रहा, किसी भी मामले में अदालती में पूछताछ के लिए ये इसमें नहीं गए। अब देखिए, इनके जो साथी हैं गुरु किंग पिन अरविंद केजरीवाल, ये जेल चले गए, ये सबको भेज चुके थे, मगर इनका एक साथी चेला जो है, गुरु गुरु निकला, चेला शक्कर निकला, वो किसी तरह से संजय सिंह बाहर आ गए। अब संजय सिंह भी अंदर जाएंगे, केजरीवाल जी इंतज़ार कर रहे हैं। आज केजरीवाल जी ने एक खेल खेल दिया लाउज एवेन्यू कोर्ट में, कि इन्हीं के वकील ने कह दिया कि नहीं, विजय नायर जो था मार्लेना जी और उनको सौरभ भरद्वाज को करता था इन्फॉर्म, ताकि वो जाएं। अब इनकी भी, संजय सिंह की भी यही पोजीशन, चूँकि अदालत का दरवाजा, अदालत ने आदेश दिया है, तो वो दिन दूर नहीं संजय सिंह जो हैं इसमें जाएंगे। 29 जून को इनको कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया, 29 जून को। ये पहली पार्टी ऐसी है जिनके आप समझ लिए अदालत में इतने मामले हैं कि पूछे नहीं। संजय सिंह भी एक टाकीज के उसमें, चूँकि उसमें अपना व्यापार करते थे टिकट का, तो वहाँ के कानून कायदे दूसरे थे सुल्तानपुर का, ये भी मामला सुल्तानपुर का, तो ये अपना घर ही समझ रहे हैं, बिल्कुल घर के तरीके, जैसे वहाँ पे टाकीज वाले मामले में निपट लेते थे, थाने तक जाना हुआ फिर आ गए सब सिस्टम से, वही सिस्टम यहाँ सोच रहे हैं, पर अदालत में सब सिस्टम नहीं चलते। अब आपको बता दें, केजरीवाल जी का पूरा पूरा आप समझ लीजिए ये पोजिशन इस पार्टी के, कहना नहीं चाहिए, DNA में हो गया है कि घोटाले करना, ऊपर से बच जाना, ये कह देना एक पैसा भी हमारे पास नहीं है, और अदालत की कार्रवाई में ना जाना, और बड़े बड़े वकील करके अपना बचाव करते रहना, पूरे इतने मामले घोटाले के हैं, और मानना नहीं, जबकि बाकायदे प्रूफ सहित इन्हीं के खास आदमी सब गवाही दे रहे हैं। अब आप देखिए, यही पोजीशन इनके 2 ट्रेनिंग केंद्र हैं इसके, आम आदमी पार्टी का, ये भी कब्जा किए हुए हैं, कोर्ट के उस पर जा नहीं रहे हैं, इनको तारीख मिल गई है, कितने तारीख तक कोर्ट के परिसर में कब्जा किए हुए हैं, और कोर्ट आदेश, कोर्ट खुद इनसे रिक्वेस्ट कर चुका, और ये शीश महल है, ये दोनों आप समझ लीजिए, दोनों का यही हो गया कि सबूत मिटाना, कोर्ट में ना जाना, यही इनके यहाँ हुआ कि इन्होंने मोबाइल नहीं दिया, और मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया, और मेन फ़ोटो हटा ली, सब इसी तरह का अदालती उस पर, इतने मुकदमे में आप समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट अपने बेल पे पहुंच जाते हैं सब, और जहां पे फंसने की बात है वहां संजय सिंह नहीं जा रहे, वैसे संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट तक हो आए हैं, और सिसोदिया अपनी जमानत के लिए, और ये जो हैं
इंटिम बेल पे हैं, इंटिम पैरोल पे हैं, इंटिम बेल पे, वो भी कुछ समय के लिए। क्लीन चिट संजय सिंह को नहीं मिली है। क्लीन संजय सिंह जो हैं उसमें जो घोटाले हैं शराब घोटाले में, उस पर इन्वॉल्व के बाकायदे सबूत दिए गए। ये देखिए आम पार्टी का इनका सबका यही है। 29 जून को ये निश्चित तौर पे अगर नहीं जाएंगे तो जेल पे होंगे, मगर हो सकता है ये महीने के आखिरी तक इनको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि और भी मामले चल रहे हैं, तिहाड़ वाले मामले चल रहे हैं। इसके अलावा 3 जुलाई को अरविंद केजरीवाल जी की जो पेशी है उसमें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ काफ़ी सबूत होंगे, और ये 3 जुलाई के बाद ये फिर जेल जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।